हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए, अ की स्टेप टू बिहार, स्टेप बाय बिहार टू प्रमोट बेटर सोशल जस्टिस। तो क्या है, चलिए देखते हैं कैसे सोशल जस्टिस बिहार इंश्योर करेगा। हेयर आर सर्टेन डेट्स विच एक्वायर ग्रेटर सिग्निफिकेंस बाय अ स्ट्रोक ऑफ हिस्ट्री। ऑन अक्टूबर 2, 2023 इज वन सच डेट, अ डे वेन बिहार गवर्नमेंट रिलीज द डेटा फॉर अ कास्ट बेस्ड सर्वे नोन एज बिहार जाति आधारित गणना। गणना मैंने आपका सर्वे, जाति कास्ट, और आधारित मैंने बेस्ड। तो कास्ट बेस्ड सर्वे बिहार की जाति आधारित गणना। लेट अस रिमेम्बर नॉट टू फॉरगेट। तो क्या कास्ट बेस्ड सेंसस वुड प्रोवाइड एक्यूरेट एंड अप टू डेट डेटा ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज इन इंडिया। दिस डेटा इज असेंशियल फॉर द एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इट कैन हेल्प पॉलिसी मेकर आइडेंटिफाई marginalized and disadvantaged group and design targeted intervention to uplift them. India has a long history of caste based discrimination and oppression. तो ये इंडिया की हिस्ट्री की बात हो गई तो सही भी है भाई, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। A caste based census can help in recognizing and quantifying the extent of historical injustice and disparities that exist in society. Acknowledging this disparity in a critical step towards the addressing them. तो देखते हैं कैसे एड्रेस कर किया जा रहा है। एक्यूरेसी फॉर एफिकेसी क्या है देखते हैं। विथ एक्यूरेट कास्ट बेस्ड डेटा द गवर्नमेंट कैन डेवलप अ मोर इफेक्टिव एंड टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम। तो जैसे अगर पता चल गया, आप देखिए ESC जो है आपके, EWC जो है आपके, ये बहुत ज़्यादा आपका नंबर में है, तो उनके लिए टारगेट करके वेलफेयर प्रोग्राम आप गवर्नमेंट निकाल सकती है। दिस प्रोग्राम कैन बी टेलर टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, इंश्योरिंग द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम रीच द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन तक भी वो स्कीम पहुंचे। रेगुलर कास्ट बेस्ड सेंसस डेटा कैन हेल्प ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स ओवर टाइम। ठीक है, दिस अलाउज फॉर द इवेल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम एम्ड एट सोशल जस्टिस एंड अफर्मेटिव एक्शन। दिस विल इनेबल द गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट टू पॉलिसी व्हेन नीडेड। तो गवर्नमेंट ये देख कर कौन ग्रो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है अपना पॉलिसी चेंज कर सकती है। कास्ट बेस्ड डेटा कैन हेल्प इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन गवर्नमेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। रिजर्वेशन एंड अफर्मेशन एक्शंस, अफर्मेटिव एक्शंस पॉलिसी ऑफन बेस्ड ऑन कास्ट एंड एक्यूरेट डेटा इज क्रूशियल टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड। अ कास्ट बेस्ड सेंसस प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट एफर्ट टू प्रमोट सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस अच्छे से प्रमोट होगा, ट्रांसपेरेंटली होगा, और गवर्नमेंट उसके लिए अकाउंटेबल भी होगी। क्योंकि अगर कास्ट होगा, मानिए एक ग्रुप है जो ग्रो नहीं कर रहा है और गवर्नमेंट उसके लिए पॉलिसी ला रही है, जब तक अगली बार उसका सेंसस नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा ये ग्रुप ग्रो किया है या नहीं किया है। तो हमें गवर्नमेंट को अकाउंटेबल इस कास्ट बेस्ड सर्वे से हम लोग रख सकते हैं। गवर्नमेंट विल बी आंसरेबल टू यू गाइज, जब तुम पूछोगे कि भाई तुम्हारी पॉलिसी किस काम की, जब हम ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, तब गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ेगा। इट अलाउ सिटीजन टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, देखिए, फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये इक्विटेबल रिसोर्सेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज कहाँ पर दिया गया है, हमारे DPSP में दिया गया है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में। विदाउट एक्यूरेट डेटा देर इज अ रिस्क ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट बींग मिसयूज फॉर पर्सनल गेन। तो आप यहाँ देखते हैं कई लोग कास्ट डेटा सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं पॉलिटिकल पर्पस। अ कास्ट बेस्ड सेंसस कैन हेल्प वेरीफाई एंड ऑथेंटिकेट दिस कास्ट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स, रिड्यूसिंग एंड लाइकलीहुड ऑफ फ्रॉड एंड इंश्योरिंग दैट द बेनिफिट्स आर डायरेक्टेड टू दोज हु जेन्युइनली नीड देम। तो यहाँ पर साहब बोल रहे हैं एड्रेस करो, देखो तभी तो पता चलेगा। अभी मैं एंड में इसके ऊपर बताऊंगा, एक आपको गांधी वर्सेस अम्बेडकर व्यू, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द आइडिया ऑफ कंडक्टिंग अ कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट एंड कंट्रोवर्सीज। सम आर्ग्यू दैट इट कुड परपेचुएट एंड डीपन कास्ट डिविजन। बिल्कुल ये चीज ऐसा बोलते थे गांधी जी कि भाई जो चीज़ हटाना है हमें, हम उस चीज़ को रखें क्यों, उस चीज़ को एड्रेस क्यों करें, ऐसे हम अलग से नाम दे देंगे तो वो चीज़ हटेगी थोड़ी, वो तो फिर परमानेंट हो जाएगी। हमें कास्ट को अगर हटाना है तो कास्ट बेस्ड सर्वे करके हम उसको हटा थोड़ी रहे, उसको तो और प्रमोट कर रहे हैं।
तो ये चीज गांधी गांधियन व्यू ये है आपका। व्हाइल अदर बिलीव दैट इट इज नेसेसरी टू एड्रेस बिहाइंड हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड प्रमोट सोशल जस्टिस, तो ये व्यू था आपका अम्बेडकर का, जो बोलते थे भाई एड्रेस करो हम लोग कास्ट, एड्रेस करो इसको और तभी ये चीज़ें ठीक होंगी, जब एड्रेस होंगी ये लोग अपने लिए अवेयर होंगे। तो ये अम्बेडकर व्यू था, और जो नहीं होना चाहिए वो गांधीयन व्यू था, तभी दोनों के बीच थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई थी। तो देखते हैं डेट इसे ठीक है। ये हमने देखा कंसिडरेशन आर्ग्यूमेंट्स एंड बैलेंस्ड अप्रोच टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज इन इंडिया, तो सही बात है, हमें बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया इज अ डीपली इंट्रेंच्ड सोशल इशू डेट हैज परसिस्टेड फॉर सेंचुरीज, सेवरल फैक्टर हाईलाइटिंग द नीड फॉर कमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट देखिए, पहला प्रॉब्लम क्या है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हैज इट्स रूट्स इन सेंचुरीज ऑफ हिस्टोरिकल ऑपरेशन एंड मार्जिनलाइजेशन, इट हैज रिजल्टेड इन सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस ऑफ द सर्टेन कास्ट ग्रुप, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू रेक्टिफाई सच हिस्टोरिकल इनजस्टिस। तो यहाँ पर साफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस की बात हो रही है। अब सेकेंड देखिए क्या है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड इन इक्वेलिटी एंड प्रोवाइड फॉर अफर्मेटिव एक्शन मेजर सच एज रिजर्वेशन इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिक्स टू अपलिफ्ट हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, द गवर्नमेंट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू इम्प्लीमेंट एंड री इन्फोर्स दिस प्रोविजन्स। तो आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होना चाहिए, जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे ऊपर है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बोल दे रहा है तो गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। क्या मेजर, रिजर्वेशन इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट पॉलिटिक्स, तो अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं वुमेन के लिए बिल आ गया, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर है। अब देखिए थर्ड, थर्ड क्या है, ह्यूमन राइट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट इज अ वायोलेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। वायोलेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, द गवर्नमेंट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ऑल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स विच इंक्लूड्स द राइट ऑफ इक्वालिटी डिग्निटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन, तो ये गवर्नमेंट को सिक्योर करना चाहिए। कमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट दिस राइट्स आर अपहेल्ड, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है। अब देखिए फोर्थ, सोशल कोहेजन। आप देखिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन परपिचुएट सोशल डिवीजन एंड हिंडर सोशल कोहेजन, तो सोशल डिवीजन बढ़ा रहा है, सोशल कोहेजन को हटा रहा है। तो दो ग्रुप है उनके बीच में, जैसे कि मानिए मैं सिंपल बोल रहा हूँ, एक वर्ण सिस्टम की बात करूँ, क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण हो गया, शूद्र हो गया, तो यहाँ पे अगर कास्ट हटाओ तो सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, नहीं नहीं तो कोई अपने आप को सोचेगा हम खराब है, कोई बोलेगा वो क्यों अच्छा है हम क्यों खराब है, या ये सोचेगा दूसरे अच्छे, ये सोचेगा नहीं हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, हम ही सबसे अच्छे भाई, हम पैसा कमा रहे हैं, हम ही सबसे अच्छे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सोसाइटी में डिवीजन होगा। एंड हिंडर्स द सोशल कोहिजन, इट कंसिडर इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस अमंग द मार्जिनलाइज ग्रुप एंड कैन लीड टू सोशल अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट होगा वहाँ पे, सिविल मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है और फिर लड़ाइयाँ बढ़ सकती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एसेंशियल टू प्रमोट सोशल हार्मनी एंड यूनिटी। अब देखिए फिफ्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफन लीड्स टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटी विद सर्टेन कास्ट ग्रुप फेसिंग लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट इंटरवेंशन थ्रू द अफर्मेशन एक्शन पॉलिसी कैन हेल्प ब्रिज दिस गैप्स इन प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, तो यहाँ पे पैसा सबको दे दो, सब अपना काम करने लगे, सबके पास जॉब हो, सबके पास बिजनेस हो, तब चीज़ें ये सारी कम होंगी। तो भाई अब कोई बोल रहा है हम बड़े हैं, फिर भी तुम साइकिल पे घूम रहे हो और सामने वाला मर्सिडीज में घूम रहा है, कहाँ से बड़े हो? या कोई बोल रहा है कि भाई वो क्यों बड़ा है, हम क्यों छोटे हैं, हम दोनों तो एक ही गाड़ी में घूम रहे हैं, हम दोनों ही रॉल्स रॉयस में घूम रहे हैं, तो सही बात है, इक्वालिटी आ जाएगी, किसी के पास पैसा है किसी के पास नहीं है तो इक्वल कर दो, लोगों को एक स्टेज पे ले आओ, तो वहाँ पे लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। एजुकेशन, अब सिक्स्थ क्या है, एजुकेशन आपका, डिस्क्रिमिनेशन कैन हिंडर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू इंश्योर द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आर एसेसिबल टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड दैट डिस्क्रिमिनेशन विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एलिमिनेटेड। मैं तो कह रहा हूँ इसको आप क्राइम कर दो, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट के ऊपर, इसको आप क्राइम कर दो, तो प्रमोट करो कि ये क्राइम है। कैसे, आप देखिए बी आर अम्बेडकर जी को क्लास के बाहर बैठाया जाता था, वो क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते थे, उनको जमीन पर बैठाया जाता था वो पढ़ते थे,
पर ये भी तुम अगर कोई यहाँ पे मार्जिनलाइज ग्रुप से सुन रहा है तो देखो उनकी तरह बोलो ना, फर्क मत पड़ो, जो बोल रहा है उल्टा सीधा उसको बोलने दो, तुम अपना काम करो। आज क्या कोई चाह के भी, मैं डायरेक्ट बोल, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्या कोई चाह के भी ब्राह्मण बी आर अम्बेडकर जी को उनका नाम हटा सकता है? नहीं हटा सकता है, बी आर अम्बेडकर जी ने काम ही ऐसा किया है। तो अगर कोई है ब्राह्मण सुन रहा है तो भाई ये सब पुरानी चीजें मत करो, ये गलत है। तुमको ही आज अगर कोई डिस्क्रिमिनेट करेगा तुमको अच्छा नहीं लगेगा, और अगर कोई मार्जिनलाइज ग्रुप से सुन रहा है तो तुम्हारे लिए ये चीज़ है। भाई कोई बोल भी रहा है तो वो उसकी मेंटेलिटी दिखा रही है, तुम्हारी नहीं। तुम अपना काम करो, उसको छोड़ दो। अब देखो सब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ गया, एम्प्लॉयमेंट का इशू। सेवेंथ एम्प्लॉयमेंट, ये सिक्स्थ आपका एजुकेशन था, सेवन्थ एम्प्लॉयमेंट। डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट कैन लिमिट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्टेन कास्ट ग्रुप्स, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू इन्फोर्स एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड प्रमोट फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग अफर्मेटिव एक्शन इन पब्लिक सेक्टर। तो आप देखिए यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इक्वल होनी चाहिए। एट्थ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, दलित्स एंड अदर मार्जिनलाइज कास्ट ग्रुप्स हैव हिस्टोरिकली बीन अंडर रिप्रेजेंटेड इन पॉलिटिकल पोजिशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड टू प्रमोट देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो आप पॉलिटिकली अपने आप को उठाओ। नाइन्थ, अब नाइन्थ देखिए क्या है, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन, द गवर्नमेंट कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द हार्म्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोटिंग सोशल सेंसिटिविटी एंड इंक्लूसिविटी थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड कैंपेन्स। भाई सबको एक, सबका साथ सबका विकास, उसका एक एग्जाम्पल है। टेंथ लीगल फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज क्रूशियल टू स्ट्रेंथनिंग एंड इन्फोर्सिंग एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड पॉलिसीज एम्ड विथ इरेडिकेटिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन विदाउट कमिटेड गवर्नमेंट एफर्ट दिस लॉ में रिमेन इनफेक्टिव। इन कंक्लूजन, अब यहाँ पे कंक्लूजन आ गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज अ डीपली इनग्रेन प्रॉब्लम इन इंडिया एंड रिक्वायर सस्टेन्ड एंड कमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू एड्रेस। सच इंटरवेंशन इज नॉट ओनली असेंशियल टू रेक्टिफाई हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस बट ऑल्सो टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी जस्टिस ह्यूमन राइट एंड फॉर ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और सोशल बैकग्राउंड। तो अब देख लेते हैं ये, इसकी एक समरी एक बार देख लेते हैं, हमारे लिए काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। एक्यूरेसी आएगा तभी तो एफिकेसी आएगा, ठीक है। आपका कास्ट बेस्ड सर्वे ये हुआ, तो ये पर्टिकुलर टारगेटेड टारगेटेड बेनिफिट पहुंचा सकता है, वेलफेयर पहुंचा सकता है गवर्नमेंट को, ये क्या कर सकता है, आंसरेबल, ठीक है। और गवर्नमेंट को यहाँ पे एक आंसरेबल कर सकता है और अकाउंटेबल कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर दिया, भाई तुम हमारे ग्रुप के लिए काम कर रहे थे इस सर्वे में, तो फिर हम, हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, क्या काम कर रहे हो, हम तुमको हटाएंगे, दूसरे गवर्नमेंट ले आओ। तो ये तो एक हो गया। अब देखो सबसे पहली बात, ये डिबेट हुई क्यों रहा है, बहुत बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। गांधियन यहाँ पे व्यू है, गांधियन व्यू है कि जिस चीज़ को हमें प्रमोट करना ही नहीं उसको हम ऐसे नाम दे ही नहीं सकते। तो वो कह रहे हैं अगर कास्ट हटाना है तो कास्ट बेस्ड सर्वे नहीं होना चाहिए, हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए कास्ट होता ही नहीं है। तो गांधियन व्यू ये है। अम्बेडकर व्यू देखिए, अम्बेडकर व्यू ये है कि अगर कास्ट हटाना है तो सबसे पहले दोनों को हटाना क्या है, कास्ट, पर इनका तरीका अलग है, इनका तरीका अलग है। इनको कहना है अपने आप को डिफाइन करो और उसके बाद दूसरे लोगों को हटाओ और अपने वो पोजिशन लो। तो अम्बेडकर थोड़ा देखिए, गांधी जी नॉन वायलेंट यहाँ पे नेचर है गांधी जी का, तो उनका साफ कह रहे भाई बिहेव ही ऐसे करो कि कुछ है ही नहीं कास्ट। यहाँ पे ये कह रहे नहीं, प्रॉपर तरीके से बिहेव करो कि तुम अलग हो, तुम हिंदू फोल्ड में नहीं आते हो, तुम प्रॉपर अलग हो, जैसे अनटचेबिलिटीज हो गया, ये दूसरे कास्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दोनों के थॉट में डिफरेंस है, पर इनका गोल एक ही है कास्ट को हटाने का। हमें क्या करना है, बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। उसके लिए आप देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस, पहले जो इनजस्टिस हुई है तो आज तो ठीक करना पड़ेगा। वही है, जो बोएगा वही काटेगा। तो भाई पहले अगर चीज़ें खराब हुई हैं तो आज ठीक करो, आज अगर हम लोग खराब करेंगे तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन उसको ठीक करेंगे। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, DPSP पढ़ो और कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वेलिटी ले आओ। आर्टिकल 15 पढ़ो, 16 पढ़ो, एम्प्लॉयमेंट में हो गया, पब्लिक प्लेसेस में हो गया, इक्वेलिटी है, कास्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ते रहने चाहिए। आर्टिकल 21 पढ़ो, यहाँ पे राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, ठीक है। थर्ड आप देखो ह्यूमन राइट्स,
अब ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स है तो डिस्क्रिमिनेशन से ह्यूमन राइट्स तो वायलेट होगा, तो ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करना है हमें। तो आप देखिए, राइट टू इक्वालिटी, डिग्निटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये सारा कौन इंश्योर करेगा हमारे लिए? स्टेट इंश्योर करेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट को हम क्या देते हैं? रुपया देते हैं। कैसे? टैक्स के तौर पर। ठीक है, फोर्थ देखो, सोशल कोहेजन। भाई अगर ये ग्रुप मैं बोल रहा हूँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ऐसा करने पे कहीं ना कहीं एनिमिटी बढ़ेगी, लड़ाई होगा, कोहेजन खत्म होगा और सिविल मूवमेंट हो सकता है। तो ये चीज़ ख़त्म करो, ये नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। हम एक है, हम इंडियन से सबसे पहले, और इंडियंस ही रखो अपने आप को, और कुछ मत करो। तो एक ये हो गया, आप देखिए फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अगर कोई अपने आप को कह रहा है मैं ऊंचे कास्ट के, तुम इतना काम करो इतना काम करो, तुम्हारा नाम हो जाए, तुम्हारा पैसा हो जाए, कोई ऊंचा कास्ट वाला तुम्हारे सामने बोल नहीं पाएगा। और अगर तुम अपने आप को, तुम्हारे सामने कोई चढ़ रहा है तो तुम भी पैसा कमाओ ऊंचे कास्ट वालों। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। सब लोग खूब पैसा कमाओ, अपने देश को डेवलप करो, करप्शन हटाओ, और तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो इक्वालिटी आएगी। सिक्स्थ, एजुकेशन। ये सारी चीज़ों की जरूरत क्या है? आज मैं ये आर्टिकल पढ़ पा रहा हूँ, मैं अपने डिबेट रख पा रहा हूँ, क्यों? ये गांधीन व्यू मैंने कैसे बताया? क्योंकि मैंने पढ़ाई की। अंबेडकर व्यू कैसे बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने पढ़ाई की। तो एजुकेशन रखो ताकि लोगों को समझ आए क्या गलत है, राइट वर्सेस रॉन्ग, तो समझ में आए लोगों को। तो ये काम करो, एजुकेशन रखो, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सेवेंथ, एम्प्लॉयमेंट। भाई खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्लॉयमेंट होगी तभी तो चीज़ें ठीक होगी, एम्प्लॉयमेंट करवाओ। एथ, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन कम है पॉलिटिक्स में तो तुम्हारे ग्रुप कैसे होंगे? वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट सबके लिए होती है, कास्ट हटाना है हमें। तो फिर भी अगर आपको लग रहा है, आप अपनी पार्टी स्टार्ट करो, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिलो, तो एक ये चीज़ हो सकता है। नाइन्थ, अवेयरनेस। कैसे है? सबका साथ सबका विकास। सेंसिटाइजेशन, सेंसिटिविटी डेवलप करो। भाई उनके साथ गलत हुआ है तो उनको आज कंपनसेशन देना पड़ेगा, ये कहाँ से आएगा? ये फिर आपका रिहाइड्रेट करेंगे हम एजुकेशन से। 10th, लीगल फ्रेमवर्क। अगर कोई गलत कर रहा है, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो आप देखिए उनके ऊपर केसेस होंगे, लॉ है हमारे पास ऐसा, और भी चीज़ों में लॉ आना चाहिए। कंक्लूजन क्या है? यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन लगेगा, ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन लगेगा, और कास्ट को हटाओ, बेकार चीज़ है। क्वालिटी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब प्रमोट करो। हम लोग को एक वर्ड सिखाओ, सिटीजन, इंडियन, और कुछ नहीं। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।